आपने भी अपने अराउंड कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रील्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस को क्रिएट करते हैं, तो आप सोच में तो ज़रूर पड़ जाते होंगे कि आखिर इन्होंने ये क्रिएट किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किया और या फिर कैसे किया है। तो मैं आज आपको ना इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कैनवा से। कैनवा का यूज़ करके ना बहुत ही ईजीली काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ईजीली अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसका मैं पार्ट वन पहले ही बना चुका हूँ, उसको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन या फिर ट्यूटोरियल समझ लेना। जिस किसी को कैनवा यूज़ नहीं करना था ना, वो वीडियो जाके पहले देख लेना। और कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप भूल चुके हो और अगर तुम पहले से ही प्रो हो, तो चलो फिर स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपनी कैनवा की स्क्रीन के ऊपर। ये होम पेज है कैनवा का, और सबसे पहली चीज़ के साथ अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कई सारे जगह पे देखा होगा कि टेक्स्ट के अंदर वीडियोस प्ले हो रही है, तो आखिर ये इफेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? कैनवा ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, फटाफट से आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि अगर ना यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, वीडियो इनसाइडर टेक्स्ट, सो कुछ ऐसा सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो वीडियो अंदर चल रही है इसके। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए फटाफट से ना हम लोग वीडियो टेम्पलेट को खोल लेते हैं। इधर जाएंगे हम एलिमेंट्स के अंदर, इधर से हम लेंगे फ्रेम्स, और यहाँ पे हम लोग वर्ड्स को ढूंढेंगे। मैं बहुत ही इजी से वर्ड्स को लेने वाला हूँ, जैसे कि एम एन ओ। यहाँ पे मैंने तीन लेटर्स को ले लिया। फटाफट से ना इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब मैंने ब्लैक ले लिया, लुक्स गुड। अब जाएंगे हम लोग वीडियोस के सेक्शन में, ठीक, कोई भी वीडियो उठाएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर भी यही चली गई, लेट्स से कि मैं ये वाली वीडियो इसके अंदर डालना चाहूँगा, ये इसके अंदर चली गई और ये वीडियो इसके अंदर चली गई। सब प्ले करके देखेंगे तो ये ऐसे चल रही है। चलो इसके अंदर अब ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। मैं गया एनिमेट पे, एनिमेट पे मैंने ये ले लिया, और अब फटाफट से देखते हैं आउटपुट। तीनों वीडियोस चल रही है और एनिमेशन के साथ चल रही है। तो ये आपकी पहली ट्रिक हो गई। अब एक सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं। मैं फटाफट से एक 1920x1080, तो मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कोई भी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँ और उसके लिए शेडो क्रिएट कर दूँ एक नीचे। जैसे नाइक का ले लेते शूज़, नाइक स्नीकर्स। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा एक शूज़ ले लिया, ठीक है। मैं इसकी जगह ना कुछ भी ले सकता हूँ, चलिए इसके पोजीशन में कुछ ऐसा सा रख लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ना इसके अंदर एक शेडो ऐड कर दूँ मैं। तो ये बैकड्रॉप नाम का एक फीचर दिख रहा होगा आपको, इसको सिलेक्ट कर लो। इसके ऊपर आपने देखा एक शेडो क्रिएट हो गया। आप ज़रा ना इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा मर्जी आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अपने हिसाब से लाइट ले लो, जैसे मैं चाहता हूँ कि लाइट ऐसे पड़ रही है, ठीक है, इस एंगल से लाइट पड़ रही है, तो हमको कुछ इस तरीके की शैडो देखने को मिलेगी जो काफ़ी एस्थेटिक लग रही है। हम चाहे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे छेड़ सकते हैं, ठीक है, ब्लरीनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा ब्लर्ड रहेगी ना ये, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा सा ही ब्लर रखना है, जिससे थोड़ा नेचुरल ब्लर लगे। अब मैं आपको ना कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसे अगर आप प्रेस कर देते हैं आर को, तो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। चाहे आप सी को प्रेस करें, अब आपने कर दिया सी को प्रेस, तो एक सर्कल आ गया। अगर आप एल को प्रेस कर देते एक लाइन आ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी और यूज़फुल होता है जब हम लोग अपने यूट्यूब के एंड स्क्रीन्स बना रहे होते हैं ना, तो तब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट ट्रिक हमारी होने वाली ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना तीन स्क्वायर बॉक्सेस ले लिए, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के ओवरलैप है। मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड वाला एक्सेस कर सकूँ, ठीक है, रेदर देन मूविंग दिस आउट एंड देन दिस। इससे ना एक देखो ये तो बिगड़ गई, सिमेट्री बिगड़ गई। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अभी देखो इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल प्लस क्लिक देन क्लिक, तो हम लोग पीछे आगे मूव कर सकते हैं। अब मैं आ चुका अपने सेकेंड वाले बॉक्स पे जो हमको चाहिए था।
अब मैं इसको कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने उठा के इसको निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ होने वाली ग्रुपिंग से रिलेटेड। लेट्स से ये हमारा शूज़ यहाँ पे पड़ा है, मैं चाहता हूँ इसके साथ में मैं एक टेक्स्ट ऐड कर दूँ, ठीक है। और वो मैं इसके एक छोटे से ना एक बॉक्स के अंदर डाल दूँ, जो कि थोड़ा एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करे। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया ऐसी छोटी सी, जिसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये नाइक का शूज़ लग रहा है मेरे को कोई, तो इसके अंदर अगर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ प्यारा सा नाइक, नाइक एयरफोर्स जो भी डाल दिया, ठीक है। मुझे शूज़ का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, तो इसका साइज़ हम लोग यहाँ से जाके छोटा कर लेंगे। लेट्स से 100 वुड बी गुड। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इन सबको कर लूँगा ग्रुप। यहाँ पे एक ग्रुप वाले फीचर का अनलॉक करके मैं इस पूरे पीस को एक साथ मूव कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है और आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने वाले। अब एक अच्छा सा प्रो का फीचर बताता हूँ फटाफट। आप ना अपनी खुद की टीम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। मैंने यहाँ पे तीन लोगों की ऐसी टीम क्रिएट कर रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इनवाइट मेंबर्स, यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल देना है, ठीक है। जितने भी लोगों को आपको ऐड करना है, और यहाँ पे इनवाइट लिंक पे क्लिक कर देना है, और जाके उस बंदे को शेयर कर देना है जिसको भी आप अपनी टीम में ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट वाला जो ये फीचर होने वाला है, ये ब्रांड से रिलेटेड। अब हो सकता है कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज रन कर रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, तो कई जगह पे ना आप सेम कलर्स का यूज़ करना चाहते हो। जैसे थंबनेल में हमने सेम कलर यूज़ कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उन कलर्स को यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और ये कलर पैलेट आपको एडिटिंग के वक्त कॉर्नर में शो करेगी, जिससे कि एक्सेसिबल हो जाएगा बहुत ही ईजीली। यहाँ पे हमने अपने कलर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ऐड कर सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा, अपना लोगो ऐड कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ से ना कलर भी एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है। जैसे वाइट लोगो था, इसने फटाफट से वाइट को सिलेक्ट कर दिया, और मैंने इसको अपने कलर पैलेट के अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे ना आप ब्रांड फॉन्ट्स के अंदर ना काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फॉन्ट डाल रखा है यहाँ पे समरकन, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने ब्रांड के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने किसी भी फ़ोन की स्पेक्स बताने के लिए ये एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया था। ब्रांड कंट्रोल आपको ऑफर करते हैं कि कैसे कैसे कलर, फॉन्ट और डिज़ाइन के ऊपर आप अपना कंट्रोल रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर होने वाला है लोगोस से रिलेटेड। कई बार ना हमको ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग किसी ब्रांड का लोगो ऐड करें। जैसे कि लेट्स से मैंने फेसबुक का ऐड करना है, फेसबुक, तो ये फेसबुक का लोगो आ गया। इस तरीके से आप किसी भी ब्रांड का लोगो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मेरे को अमेज़ॉन का भी चाहिए तो अमेज़ॉन का भी मिल जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम कहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना है कि नहीं कराना, आप कई सारे ब्रांड का भी लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और साथ में आप ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर देना, अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ मैं आजकल। तो ऐसे आप कई सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ना आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, और ये चीज़ मार्केट में डिमांडिंग है, जो है स्मार्ट मॉकअप्स। स्मार्ट मॉकअप्स में जाके ना आप किसी भी चीज़ कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कोई चीज़ क्रिएट करनी है ना, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को कोई वॉलपेपर शो करना है, तो वो मैं कोई भी स्क्रीन लेके शो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को मग लेना है, ठीक है, मेरे पास एक डिज़ाइन ही दिमाग में कि भैया मैं मग के ऊपर ये डिज़ाइन डाल सकता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और जैसे कि फ़ोटोशॉप है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे मग के ऊपर फ़ोटोशॉप आ गया। तो आप ऐसा क्रिएट करके कोई भी अपना कस्टम मेड डिज़ाइन आप पहले क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट करके आप इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हो, और ये काफ़ी सारा एक काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन दे देगा आपके एक कप को। ये आपका कस्टम कप बन जाएगा। और अगर आप चाहे तो इसको आप यूज़ करके कैसे पैसे कमा सकते हैं ना, वो मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर अप करूँगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है। मेरे पास अगर बॉटल का डिज़ाइन है, तो मैं बॉटल के ऊपर भी लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इससे बुक कवर्स भी आराम से बना सकता हूँ।
यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा बुक कवर्स। और यहाँ पे तुमको दिख जाएंगे कई सारे बुक कवर्स। ये चीज़ मार्केट में डिमांडिंग है, क्योंकि अगर चाहिए किसी को अपनी कोई बुक निकालनी है तो उनको डिज़ाइन चाहिए, वो फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे और आप अपना टेम्पलेट शो कर सकते हो वहाँ पे जाके और अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। तो ये कैसे करना है वो सब प्रोसेस मैं किसी और वीडियो में कवरअप करूँ। अब फटाफट से ना काफ़ी ज़्यादा हैंडी चीज़ के बारे में आते हैं। मैंने कहा मेरा तो मन भरा नहीं, कई लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं होगा, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसको इसको क्लिक करूँगा डबल क्लिक, एंड देन इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब तो कर देना सब्सक्राइब, और देख रहे ऐसे आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कि इसके अंदर आप भला वीडियो कैसे एडिट करें। तो वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, ये हो गई आपकी टाइमलाइन। जैसे कि हम लोग किसी और वीडियो एडिटर ऐप्स में क्या करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, कट लगाते हैं हम लोग वीडियो के बीच में, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करके अपने वीडियोस के अंदर कट लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक वीडियो उठा ली, ठीक है, ये 15 सेकंड की वीडियो है, मुझे नहीं चाहिए इसके 15 सेकंड, मुझे इसका सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए। इसको मैंने बैकग्राउंड पे लगाया और मैं क्या करूँगा, इसको 5 सेकंड का कर दूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा इधर जाऊँगा, इधर लिख दूँगा 5 सेकंड, डन। ये वीडियो 5 सेकंड की बन गई। यहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल क्लिप्स रख के काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक यहाँ रख दी, मैं अभी फटाफट से क्लिक कर बना के दिखाता हूँ। तो हमने अपने टाइमलाइन के अंदर ना 4-5 वीडियोस ऐड कर लिए, ठीक है। ये वीडियो को सेंस अभी बना नहीं रही है, बट ये बस मैंने एडिटिंग पर्पस के लिए यहाँ पे उठाई है सारी की सारी वीडियोस को। अब इसके अंदर थोड़ी ना ट्रांजिशंस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रांजिशंस दिख जाएगी। ऐसे डिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके की, कलर वाइप करेंगे तो इस तरीके की, सर्कुलर करेंगे तो ऐसी, ये बीटा वर्जन में ये ऐसी लगेगी। तो मेरे हिसाब से डिजॉल्व सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली ट्रांजिशंस में से एक है। इसकी ड्यूरेशन कम करनी है मैं कम कर सकता हूँ, मुझको ज़्यादा रखनी है मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं इसके बीच में भी एक ट्रांजिशन ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये अच्छी लग रही है। इसके अंदर आप चाहे तो ऐसे कलर वाइप भी डाल सकते हैं, जो कि इतना कुछ खास नहीं लग रहा, ये भी कर सकते हैं आप। कलर वाइप के अंदर तो आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि मुझे इस तरीके थोड़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर मैं स्टैक डाल दूंगा, चलो। तो ये काफ़ी बेसिक सी एक वीडियो आपके आप रेडी हो चुकी है। ये आप काफ़ी सर इसको ना आप YouTube वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दे देता है 4K में। इसको ना आप एज अ वीडियो एडिटर अपनी YouTube वीडियो के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है और उसके अंदर सारा कंटेंट जल्दी जल्दी कवर अप करना है, जैसे 5 मिनट की या 6 मिनट की कोई वीडियो बनानी हो, तो इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट से रील एडिटिंग से रिलेटेड कि आखिर रील्स को कैसे एडिट किया जाता है। मैं यहाँ पे आगे मूव करूँगा थोड़ा सा और मिल जाएगा मुझे इंस्टाग्राम रील्स। यहाँ पे काफ़ी सारे ना टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल है। बेसिकली चलते हुए वीडियो बना दी, ये थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस ऐड कर ली, ये काफ़ी अच्छी क्रिएट कर दी है इन्होंने वीडियो। जैसे आप कोई भी उठा सकते हैं इनमें से, जैसे मैंने ये शॉट उठा लिया, दिस इज लुकिंग गुड। आप अपने हिसाब से भी आप अपने खुद की रील बना सकते हैं। यहाँ पे आपने टेम्पलेट्स का यूज कर लिया, आप चाहे तो अपनी खुद की रील्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हुए, अब मैं ना आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। आपने कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ये करते हुए देखा होगा कि वो कोई इंफॉर्मेटिव अगर कंटेंट शेयर करे तो वो अपनी कोई मेन वीडियो होगी वो बैकग्राउंड में प्ले कर देंगे,
और अपने आप को बोलते हुए वो कॉर्नर में एक सर्कल के अंदर अपनी ये वीडियो को प्लेस कर देंगे। तो आखिर वो कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप फ्रेम को लेंगे, आप भी यहाँ पे कॉर्नर में रख देंगे इसको, अपलोड्स के सेक्शन में तो नहीं, वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे। कोई भी, जैसे मैंने वीडियो ये ले ली, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो कोई भी वीडियो उसके अंदर प्ले हो रही होगी। और मैं चाहूँ तो मैं इसकी टाइमलाइन को छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। और इस तरीके से लोग अपने आप को सर्कल में क्रिएट करते हैं। इसके अराउंड अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो आप बेसिकली एक सर्कल ले लेना, उसका साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा रख के, और इसको आप बैकवर्ड प्रेस, उसको आप पीछे डाल देना और उसके ऊपर इस रील, इस वीडियो को पेस्ट कर देना। और अब चला के देखना, बॉर्डर भी ऐड हो चुकी है और आपकी वीडियो भी प्लेस हो चुकी है। काफ़ी इजी ट्रिक थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुकिंग ट्रिक है। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको वाइट कर दिया है। अब रील और वीडियो एडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ब्रॉड है और इसके अंदर एंडलेस चीज़ें हैं, तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में तो इनडेप्थ नहीं घुसने वाला, बट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे टाइमलाइन के साथ आप अपने वीडियो एडिटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम को चेंज करके, यहाँ पे आप कुछ टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर रहे हैं इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा आपको मोड है, जैसे कि आपको ना ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इससे आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। मैं जितनी बार दबाता रहूँगा मैं पेजेस ऐड कर लूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये इन सारे फीचर्स का भी आराम से यूज़ कर सकता हूँ। ये कि आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव होते चले जाएंगे। तो मेरी लिस्ट तो यहाँ पे एंड हो चुकी है। आई होप कि आपके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो आप सीखना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम डेडिकेटेड एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसको भी प्रेजेंट कर दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और कैनवा का ना पार्ट वन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स को डिस्कस करा है, वो पार्ट भी ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।